आज मेरठ महानगर महिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम कंगना की इस विचारधारा का विरोध करते हैं। बता दें कि कंगना रनौत बॉलीवुड में एक जाना माना चेहरा है। कंगना आए दिन अपने बड़बोलेपन और गलत बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं। एक तरफ तो कंगना देशभक्ति की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नजरों में देश को आजाद कराने वाले शहीदों की कुर्बानियों का कोई मायने नहीं है। जिसके चलते कंगना ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान कहा कि 1947 में मिली आजादी एक भीख थी, असली आजादी हमें 2014 में मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि कंगना ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश को आजाद बताया है। कंगना ने इससे पहले कांग्रेस काल में भारत को गुलाम की नजरों से देखा है। कंगना के इस बयान के बाद देश में हलचलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लोगों द्वारा कंगना का जमकर विरोध किया जा रहा है। विरोध किए हैं, जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है इसे वंचित किया जाए इन्हें। इन्होंने बहुत मतलब बहुत इतनी लोगों की शहादत को मतलब बिल्कुल ऐसे कह दिया कि भीख में मिली है, हमें क्या आजादी भीख में मिली है। गांधी जी की जितनी कुर्बानियाँ दी है और 2014 में 2014 के बाद जो हमें आजादी मिली है वो उसे सही समझती है। इन्होंने जो बोला है बहुत गलत बोला है कि शहीद हुए थे हमारे भीख में मिली आजादी, तो हमें भीख नहीं मिली है, हमने आजादी हमारे जो शहीद हुए थे और जो हमारे समाज में जो हर उसमें जो सबने बलिदान दिया, तो ये कहाँ भीख में हो गए, क्योंकि जो इतना बलिदान देते हैं इतना समाज के लिए, हमारे जो सरहद पे खड़े होते हैं हमारे और हमारे मीडिया भाई भी, मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया भाइयों के लिए बोल रही हूँ, हर जगह अपनी जान पर खेल कर हर जगह निकालते हैं और मैं तो आगे के हमारी खबर सबके लिए पूछाते भी हैं और पुलिस प्रशासन भी। आज हमने ये जो मुर्दा फूका है कंगना रावत का, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आज़ादी मिली है हमें के भीख में मिली है, तो ये भीख में नहीं है।